हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू कास्तूर और कास्तूर रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिंगाड़े की कतली। इसे आप व्रत में बना सकते हैं, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है और बहुत आसानी से आप इसे घर में बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बॉल में मैंने साबुत सिंगाड़े की मींग ले ली है, इसको अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है। इस तरह मैं दो तीन इसमें डालकर कूटूंगी ताकि इसके छोटे पीसीज हो जाएं और इसे हम आसानी से ग्राइंड कर सकें। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे कूट लिया है। अब एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। इसी तरह से मैं और भी मींग कूट के इसमें डाल दूंगी। अब इसे मुझे ग्राइंड करना है। मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है ग्राइंडर में और इसे मैं ग्राइंड कर लूंगी। देखिए कितना महीन पीसकर तैयार हो चुका है। तो अब इसे सीव में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे छान लेंगे। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मोटा मोटा इसके कण हैं वो इसमें आ जाएंगे छलनी में और ये पतला हमारे पास रह जाएगा। तो देखिए, सिंगाड़े की मींग एक बॉल ली है, एक बॉल चीनी और 3 टेबलस्पून देसी घी और 1 गिलास पानी, ये सामग्री ली है मैंने। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब एक प्लेट ले लेंगे, उसमें देसी घी चारों तरफ से इस तरह से ब्रश से लगाएंगे और ये कढ़ाई मैंने गैस पर रखी है, इसमें देसी घी ट्रांसफ़र कर दिया है। अब सिंगाड़े का आटा डालेंगे इसमें। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे लगातार हमें चलाते जाना है। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि बिल्कुल भी रुकना नहीं है, वरना ये नीचे लग सकता है। तो इसे लगातार ही चलाते रहें इस तरह से। अब दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। दूसरी गैस पर मैंने पैन रख दिया है, उसमें डाली है चीनी, 1 गिलास पानी डालेंगे यहाँ पर और इधर ही हमारी चाशनी भी तैयार हो रही है। देखिए, उबाल आने लग गया है, कितना अच्छा उबाल आया है इसमें। और तब ये पक जाएगी तो इसे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, ये तैयार है। अब इसकी भुनाई पे आ जाते हैं फिर से। देखिए इसमें भी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और ये भुनने लगा है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। देखिए ये भुनकर तैयार हो चुका है, देखिए कितना अच्छा भुना है। अब इसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे इसे ठंडा होने के बाद ठंडा पानी डालना है 1 गिलास और लगातार इसे चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इस तरह से चलाते हुए हमें, और फिर हम इसमें डालेंगे चाशनी का पानी। चाशनी को भी हमें लगातार इसी तरह से चलाते हुए हमें करना है और गैस को हम इस समय बंद कर देंगे और इसे इस तरह से गुड़ियाँ हमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो हम गैस का फ्लेम फिर से ऑन कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे और लगातार चलाते ही जाएंगे फ्रेंड्स, ताकि ये नीचे लगे नहीं, इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। तो देखिए लगातार हम इसे चलाते जाएंगे, गैस की फ्लेम लो रखेंगे और देखिए ये कतली जमाने के लिए एकदम तैयार हो चुकी है। तो चलिए करते हैं अगला प्रोसेस। ट्रांसफ़र कर देंगे एक थाली में। देखिए, जो हमने थाली में घी लगाया था उसी में मैं इसमें इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी इस तरह से और इसे स्पैचुला की मदद से फैला दूंगी। इस तरह से फैला दिया है देखिए, और अब थोड़ा सा घी लगाएंगे ताकि हाथों में चिपके नहीं और इसे अच्छी तरह से फिर से सेट कर लेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, स्पैचुला की मदद से इसे और अच्छी तरह से सेट कर देना है और इसे हम सेट करने के बाद आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद पीसीज में कट कर लेंगे और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कितनी आसानी से ही निकल कर आ रही हैं चाकू से। तो इस तरह से मैं चारों तरफ से इसे निकाल लूँगी। देखिए कितनी अच्छी और कितने आराम से निकल रही है ये सिंगाड़े की कतली, तो बहुत बढ़िया होती है। तो देखिए कितनी आसानी से निकल रही है, हम इसी तरह से सारी कतली निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब इसे मैंने इस तरह से सेट कर दिया है। ऊपर से लगाएंगे हम इस पर पनीर के पीसेस। व्रत में इसे भी खा सकते हैं आप पनीर को, यह भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो लीजिए, हमारी बढ़िया सी सिंगाड़े की कतली बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। तो फ्रेंड्स, बेल बटन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप भी खाएं, अपने फ्रेंड्स को भी खिलाएं
अपने गेस्ट को खिलाएं और सिंगाड़े की कतली का पूरा पूरा फायदा उठाएं। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही डिलीशियस होती है, तो इसे एक बार जरूर बनाना है। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स, धन्यवाद।